नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राशि उपचार में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है या होकर फिर टूट जा रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, विवाह का मामला ऐसा होता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला लिया नहीं जा सकता और सोच समझ कर आगे बढ़ने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। माता पिता सामाजिक लोक लाज का फिक्र करते हुए अपने बच्चों की कुंडली लेकर कभी इस पंडित जी तो कभी उस पंडित जी के दरबार में हाजिरी लगाते रहते हैं, ताकि यदि कोई ग्रह बाधा चल रही हो तो वह दूर हो जाए या फिर किसी पूजन के जरिए दोषों का निवारण हो जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शादी में बाधाएँ आखिर आती ही क्यों हैं। पहला, कुंडली में दोष होने के कारण। दूसरा, गृह अनुकूल नहीं होने के कारण। तीसरा, मांगलिक होने के कारण। यदि कुंडली में सातवें घर का स्वामी सप्तांश कुंडली में किसी भी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा हो तो शादी तय नहीं हो पाती है। यदि जन्म समय में श्रवण नक्षत्र हो तथा कुंडली में कहीं भी मंगल एवं शनि का योग हो तो शादी तय होकर भी टूट जाती है। दोस्तों, अगर आप शीघ्र ही विवाह करना चाहते हैं तो इन उपाय को ज़रूर आजमाएं। हर सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल लेकर इसके साथ 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसा करते रहें। लड़की की शादी होने में देरी हो रही है तो भगवान शिव की उपासना करें। 5 नारियल लेकर भगवान शिव की फोटो या भगवान शिव के मूर्ति के आगे रखकर ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप करें और सभी नारियल मंदिर में चढ़ा दें। रोजाना दुर्गा सप्तशती से अर्गला सोत्रम तक पाठ करें। लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं तो घर से गुड़ खाकर निकले। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लड़की गुरुवार को अपने तकिए के नीचे हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में लपेट कर रखें। पीपल की जड़ में लगातार 13 दिन जल चढ़ाने से शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। प्रत्येक गुरुवार को पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी हल्दी लगाकर गुड़ तथा चने की गीली दाल के साथ देना चाहिए। गुरुवार को केले के वृक्ष के समक्ष गुरु के 108 नामों का उच्चारण के साथ शुद्ध घी का दीपक तथा जल अर्पित करें। जब घर वाले शादी की बात करने जा रहे हों तो लड़की को खुले बाल रखने चाहिए और लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और मिष्ठान खिलाकर घर वालों को बातचीत के लिए विदा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मांगलिक और आपकी शादी में देरी हो रही है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। मैं उस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे उपाय करना है अगर सिर्फ मांगलिक लड़कियों के लिए, जो कि मांगलिक हैं और जिनका शादी नहीं हो पा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।